everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Vinod Jain, and if you're new here, please consider subscribing to my channel. It would mean a lot to me. आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो एंड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. मैंने देखा है कि मतलब यू नो बहुत लोगों को ऐसी साइड में जब ट्राई ऑन लगाते ना तब अच्छा नहीं लगता है. लोगों को चाहिए कि जब हम ट्राई ऑन कर रहे हैं उसके साथ साथ हम बताएं कि कैसी फिट है, कैसे दिख रहा है, कैसा मटीरियल फील हो रहा है. तो ये वाला वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैंने मीशो से अराउंड 13 से 14 कुर्तीज ऑर्डर किए, वो भी चिकन करी कुर्तीज. इसमें सारे टाइप है, लॉन्ग शॉर्ट कुर्ती सेट सब मैंने कोशिश करी है मैं लूँ. तो मैं 13 से 14 तो की थी बट आई सिर्फ 12 है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कुर्ती. एक एक करके सब खोल के देखते हैं कि कैसी आई है. आई एम सो एक्साइटेड. मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, मेरे को आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खोला है. फर्स्ट वन जो है खोल के देखते हैं. ग्रीन कलर की है. लेट मी सी इसके डिटेल्स क्या है. सो ये 550 की है. अभी 550 की रेट हो रही है मीशो पे. एंड जैसी ये दिख रही है फोटो में बिल्कुल वैसी लग रही है. 34 साइज का मैंने ऑर्डर किया था एंड आई थिंक यहाँ पर 34 मतलब एम होगा. तो दैट्स दैट. और ये जॉर्जेट मटेरियल है. 3/4 स्लीव्स है इसमें और इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है. एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. तो खोल के देख लेते कि ये कैसी आई है. सो जस्ट लुक एट दिस कुर्ती. ओ माय गॉड, लुक सो प्रिटी. अब इसको पहन के ही पता चलेगा कि है ना इसकी साइज बराबर आई है या नहीं. मुझे अभी से ही देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है. इसका मटेरियल देखो, इसका मिरर वर्क देखो एंड इसका कलर. ओ माय गॉड. और इसका वर्क इतना अच्छा लग रहा है एंड इसका मटेरियल भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि चुभेगा. अगर इनर पहन लोगे तो इनर तो पहनना ही पड़ेगा. ट्रांसपेरेंट है पूरा. पीछे से भी देखो पूरा ट्रांसपेरेंट है. ये जॉर्जेट मटेरियल है, एकदम लाइट सा मटेरियल. किधर अटक गया तो शायद फट जाएगा. बट ओवरऑल मुझे इसका सब अच्छा लग रहा है. आगे से ना इसमें स्टैंड वैंड भी दी है एंड ये इंडियन ओरिजिन है. ऑब्वियसली 3/4 स्लीव्स है जैसे कि आप देख सकते हो. एंड मेरे को ना स्लीव से थोड़ा हमेशा टाइट पसंद है तो अभी पता नहीं है, पहन के पता चलेगा. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ये वाली कुर्ती से मुझे. तो चलो पहन के देखते हैं फिर. तो गाइस देखो मैंने ट्राई कर लिया है. ये बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा, बहुत ही सुंदर लग रहा है. इसकी डिटेल्स कितनी अच्छी है, पर तो ये देखो चमक रहे हैं सारे कांच. आई थिंक आप कैमरा में उतना नहीं देख पा रहे हो जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर. इट इज लुकिंग प्रिटी यू गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर है ये. एंड मैं अगर अपने आप को मिरर में भी देखूँ तो ओ माय गॉड, ये एकदम गॉर्जियस लग रहा है. एंड मैं अगर मटेरियल की बात करूँ तो मुझे मटेरियल एकदम चुभा चुभा सा फील नहीं हो रहा है. थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा हो रहा है बट दैट्स ओके, इतना कुछ नहीं है. दूसरी चीज जो मुझे लगी वो है कि ना अंदर इनर नहीं दिया है तो यहाँ से ना थोड़ा पेट विजिबल है एंड ये ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पर लाइन्स दिख सकती है. तो मेक श्योर आप कुछ अच्छा व्हाइट कलर के लेगिंग्स पहनो ताकि वो शेप ना आए. एंड दूसरी चीज जो मैंने बोली थी, स्लीव्स है ना मुझे थोड़ा सा और टाइट चाहिए, लूज नहीं चाहिए बिकॉज मुझे ऐसी लूज फिटिंग ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है. मुझे ये फुल टाइट चाहिए ताकि ये टाइट लगे. बट मैं देखूंगी, मैं मोस्टली टाइट नहीं करवाऊंगी क्योंकि मुझे ये ऑफिस वेयर के लिए चाहिए था. तो ओवरऑल मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत कंफर्टेबल. मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. मैं इसको ना जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ. मिरर वर्क वगैरह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड जैसा कि यू नो इसमें दिखाया है इमेज में बिल्कुल वैसा ही है. लुक एट दीज जूमकार्स, इतने प्रिटी है ना ये वाले. मेरे को कभी चांस ही नहीं मिला पहनने का तो मैंने सोचा आज मैं इसके साथ पहन लेती हूँ. इसका वर्क जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है, इंट्रिकेट है एंड बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा मिरर वर्क एंड चिकन करी इस पे किया है. सो या अप्रूव्ड. नेक्स्ट जो कुर्ती है मेरे पास, नेक्स्ट पैकेट है, उसको खोल के देखते हैं. चलो पिछली वाली तो ट्राई कर ली अभी. आह यार उफ, ये क्या है,
ये बेला पीच कलर की कुर्ती है, वो पीच कलर वाली है, मुझे पता है ये कौन सी है। एंड ये कौन से एंटरप्राइज से है, किंगलेट सेलर से है। सो या इसके डिटेल्स देखते हैं, पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। ओ माय गॉड, ये भी अच्छी दिख रही है, लेट्स सी ये कैसी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ तो है इसके अंदर, कार्ड डाला हुआ है, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। एंड खोल के देखते हैं कैसी है। खोल के देखने में कितना मजा आता है ना, जो ऑर्डर किया था वैसा आया है या नहीं देखने का बड़ा मन करता है। तो लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी फटाफट। नी लेंथ से थोड़ी बड़ी, काफी बड़ी है ये ना, ऑलमोस्ट नीचे से ना थोड़ा सा ही बचेगा गैप, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे का वर्क तो देख लो, वाह लाइक बहुत मस्त है। मुझे वेस्ट से थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह टेलर को देना पड़ेगा करने के लिए। बाकी इसका हैंड भी 3/4 स्लीव्स है, तो सो प्रिटी, बहुत प्रिटी लग रहा है। मैं देखती हूँ ये मैंने कितने का लिया था। एज फार एज आई रिमेम्बर, हाँ यही है किंगलेट वाला। एंड ये मैंने 440 का लिया था, जस्ट इमेजिन 440 में इतना अच्छा प्रिंट एंड कलर भी, मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा। इसमें एक्चुअली आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, रेड है, मरून है, और इसमें आपको सारे साइजेस भी मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अगेन जॉर्जेट मटीरियल है, और ये मैंने आपको बोला 440 में लिया है, और मीशो पर इसकी रेटिंग ना 4.2 है। जैसा इमेज में दिख रहा ना बिल्कुल वैसी ही आई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। यहाँ से बस ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट लग रही थी इमेज में भी, मेरे को ना इसका पिक्चर देख के ऐसा लगा कि इसका मटेरियल अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज नीचे से काफी ट्रांसपेरेंट लग रहा था। बट अगर मैं इसको अपने नजर से देखूं तो नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है, मटीरियल काफी अच्छा है। इवन वो ग्रीन वाला था ना, उससे काफी अच्छा मटीरियल है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। अंदर आप नीचे व्हाइट कलर के लेगिंग्स पहन लोगे ना, उसके ऊपर ये बहुत प्रिटी लगेगा, ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड इसके ऊपर पर्ल वाले हुप्स वगैरह भी बहुत मस्त लगेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट, चलो करते हैं। तो गाइस ये वाली भी मैंने ट्राई कर ली, ऐसी लग रही है ये। एंड आप देख सकते हो इसका लेंथ इतना ज्यादा है, मेरी हाइट ना 5'3" है, 5'3" 5'4" के बीच में है। एंड मेरा वेस्ट जो है वो 32 या 30, इन दोनों के बीच में मुझे साइज फिट हो जाती है पैंट वगैरह की। तो या ये मीडियम साइज की है बाय द वे, एंड ये मुझे यहाँ से काफी लूज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ से जो है ना, ये वाला फिट ये बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आ रहा, ये लूज हो रहा है। तो मेरे को ये ना थोड़ा सा टाइट चाहिए, सिंच होना चाहिए वेस्ट पे, एंड ऐसा लुक चाहिए मुझे, तो ऑफिस में वगैरह काफी सुंदर लगेगा ऐसे पहनूंगी तो। बट ये भी चल जाएगा, मेरे को लगता है जितना लूज उतना अच्छा, बिकॉज काम करना है तो काम में मन लगने के लिए यू नो कंफर्ट चाहिए, तो दैट्स दैट। बाकी ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है ना, लुक एट दिस, काफी 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 सुंदर। इसका ना जो गेयर है ना वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, और मटेरियल इसका पहले वाले से बहुत अच्छा है। और जो पहले वाली कुर्ती में ना वो काज सारे निकल रहे थे, 2-3 काज तो इधर ही निकल के गिर गए। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप ले रहे हो तो बहुत कॉशियस रहना, वरना मत लो। मैंने अप्रूव कर दी थी बिकॉज बहुत प्रिटी लग रही थी एंड बहुत रीजनेबल रेट था उसका। बट हाँ, मैं जब निकाल रही तो काज वाज गिर गए, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूं कि स्लीव्स जो है ना वो देखो 3/4 है एकदम, एंड परफेक्ट फिट आ रही है। मेरे को इसमें कुछ स्टिच विच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली गले से थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ ना इसके साथ टोट बैग वगैरह लेके आई वुड बी रेडी टू हेड टू माय ऑफिस। एंड ये यहाँ से ना ट्रांसपेरेंट है, तो अगेन आप देख सकते हो, आई वुड लाइक टू अप्रूव दिस कुर्ती। तो चलो नेक्स्ट वाली कुर्ती खोलते हैं। एंड नेक्स्ट वाली कुर्ती इज, लेट मी सी, ओ दिस हैज कम विद एन इनर, एंड ये ब्लू कलर की कुर्ती आई है। ओ माय गॉड, आई नो दिस, ये कहाँ से लिया था मैंने, ए एन कुर्ती, हाँ मिल गया मुझे। एंड ये जो जैसा ना पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आया है, सेम डिट्टो है। अभी तक मैं मीशो से बहुत खुश हूँ, जैसा दिख रहा है वैसा आ रहा है, एंड वो भी एकदम बजट फ्रेंडली प्राइस पे। ओ माय गॉड, इट इज सच अ ड्रीम, जैसा तुम देख रहे हो वैसा आ जाए ऑनलाइन में कितनी खुशी होती है, सिर्फ हम जानते हैं, राइट। तो लेट्स ओपन दिस वन, आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। तो ओ माय
गॉड, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है. डेफिनेटली इसका मटेरियल बहुत कूल है, लेकिन ट्रांसपेरेंट, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आई गेस ये लोग ने पहले ही इनर दे दिया है. जस्ट लुक एट दिस, ये पहन के मैं बहुत प्रिटी लगने वाली हूँ, मुझे पता है. इसके ऊपर जो वर्क है, ओ माय गॉड, इतना बारीकी से, इतना अच्छे से किया है. डिटेलिंग अच्छी है, जैसा मैंने इसको पिक्चर में देखा था ना, बिल्कुल वैसा है. आई मीन स्टिचिंग के लिए तो मुझे मानना ही पड़ेगा, बट अभी ये मेरी साइज का है या नहीं है पता नहीं. ये मैंने ना 38 साइज का ऑर्डर किया है, 38 साइज का आया, 40 साइज का आया है, मतलब ये मीडियम साइज का लिया था मैंने. एंड ये 503 का है. मीशो पे इसकी रेटिंग 3.5 है. इसमें मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज आपको मिल जाएगा. एंड ये अगेन चिकन करी कुर्ती है, 3/4 स्लीव्स है. बहुत एक्साइटेड हूँ ये वाले को भी ट्राई करने के लिए. इसका इनर चेक करते पहले. तो इसके साथ जो इनर आया ना, वो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है. मुझे पहले लगा था कॉटन मटेरियल का इनर आएगा, जैसे हम नहीं पहनते ब्लैक एंड व्हाइट वाले इनर कोई भी टॉप्स के अंदर ट्रांसपेरेंट, मुझे लगा वैसा आएगा, बट ये वैसा नहीं है. दिस इज समथिंग एल्स ओनली. इतना लंबा है ये, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको ये कुर्ती में 3 फुट फिट हो जाएगा. ऑलमोस्ट नी तक फिट हो जाएगा, नी से थोड़ा सा ऊपर तक फिट होगा. एंड देखो आप, इसका मटेरियल भी अच्छा खासा है, कॉटन है. एंड ये समर्स में तो बहुत ही अच्छा चलेगा, इवन विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में बहुत छिप 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 होता ना, तो तभी ऐसी कुर्तीज आराम देती है सच्ची में. एंड काम करने में भी मन लगा रहता है. तो या, और यहाँ पर ना साइड में स्लिट भी है ये कुर्ती में, कुर्ती नहीं इनर, ये इनर में ना स्लिट भी है. तो ये काफी अच्छा बना देगी, काफी कंफर्टेबल बना देगी इस कुर्ती को. तो आपको ट्रांसपेरेंसी का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 503 में ये कुर्ती है. ओ माय गॉड, लेट्स ट्राई दिस. ये वाली कुर्ती अलग ही वाइब कर रही है. मतलब मैं रास्ते पे चल के जाऊंगी तो स्काई के साथ बहुत ही खराब आने लगी. गाइस, मैंने ये पहन लिया है एंड दिस इज लुकिंग अच्छा. आई मीन अब मुझे आदत पड़ गई है कि सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी लग रही है. तो यू नो, दिस इयररिंग इज जस्ट अ वाइब. कितना सॉफ्ट गर्ल वाइब्स देता है ये. एंड जस्ट लुक एट दिस, मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर. यहाँ पर जो ये स्लीव्स है ना, इसमें थोड़ा सा गैप है, हल्का सा लूज लूज है, ताकि यू नो पहनने में कंफर्टेबल लगे. एंड वर्क पे भी अगर आप जाए तो काफी कंफर्टेबल लगे. तो मुझे ये कुर्ती अच्छी लगी, मटेरियल तो अमेजिंग है ही, प्रिंट भी अच्छा है, इट इज अप्रूव्ड. तो चलो नेक्स्ट वाली कुर्ती ट्राई करते हैं. अब तक सारी कुर्तीज अच्छी निकले, ये वाली भी आई होप अच्छी निकले. प्रिंटेड कुर्ती है शायद ये, तो ये नहीं, ये प्रिंटेड नहीं है. ये अगेन चिकन करी कुर्ती है एंड ये मैंने डार्क ब्लू कलर में ऑर्डर करी थी. लेट मी सी. ओके, सो मिल गई मुझे ये. एंड ये जैसी पिक्चर में दिख रही है बिल्कुल वैसा ही कलर है इसका, लेट मी टेल यू. एंड इसको खोलने के बाद इसका मटेरियल आल्सो फील्स ओके. इस कड़क कॉटन मटेरियल है. आई थिंक इसको धोने के बाद ये लूज हो जाएगा. मेरे साइज का है, हाँ मैंने थोड़ा ना कुर्ती में लूज ही मंगा, तो ये मीडियम साइज में मैंने ऑर्डर करी थी. एंड इसका वर्क देखो, गले का वर्क ही इतना अच्छा है कि ओ माय गॉड, पूरी कुर्ती का उठाव आ जाता है. एंड स्लीव्स अगेन 3/4, मुझे लग रहा है स्लीव्स के ना मुझे ऑल्टर करवाने पड़ेंगे. तो दैट्स दैट. ये मैंने 295 में लिया है, लिजिट 295 में. एंड ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो. आप इसके अंदर कुछ भी पहनोगे ना, इनर वगैरह, तो कोई मतलब जरूरत तो है नहीं है वैसे, बट या मोस्टली आप पहन लोगे तो अच्छी बात है. एंड इसका जो मटेरियल है ना ऊपर का, मैं अगर आपको कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अगर मेरे सामने से देखूँ ना, तो मुझे ओके शोकेश मटेरियल लग रहा है इसका. बहुत ज़्यादा कॉटन है, मेरे को ऐसा लग रहा है इसको पानी में धोएंगे ना तब इसका कलर निकल सकता है, ऐसा मटेरियल मुझे लग रहा है. अभी आई डोंट नो, मैं इसको यूज़ करूँगी तब मुझे पता चलेगा. इसमें आपको मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा 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 लार्ज भी मिल जाएगा. एंड इसमें 6 कलर के प्रोडक्ट्स है, येलो, पिंक, लैवेंडर, रेड, ब्लू एंड एक और ब्लू है, सी ब्लू वाला, वैसा वाला ब्लू है, स्काई ब्लू, सी ब्लू, स्काई ब्लू, सी ब्लू, कुछ भी बोल दो. तो दैट्स दैट अगेन. उसका मटेरियल फैब्रिक कॉटन है. तो या लेट्स ट्राई दिस वन. इसे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज मुझे लग रहा है स्लीव से मुझे काफ़ी लूज होने वाला है. तो गाइस, ये मैंने पहन तो लिए, ठीक नहीं लग रहा कुछ, क्या पहन लिया मैंने. मतलब डिज़ाइन अच्छी है, कलर अच्छा है एंड मैंने मैचिंग मैचिंग इयररिंग्स भी पहने हैं. जस्ट लुक एट देम, बहुत प्रिटी है ये. बट गाइस, इसकी
स्लीव्स यार, स्लीव्स देखो इतनी लूज है, इतनी लूज, बाप रे इतना लूज, मैं क्या करूँ उसका, ये देखो। एंड ये यहाँ से भी ऐसे टाइट होना चाहिए कम से कम, तो ये देखो इतना लूज है, मुझे ये टाइट नहीं चाहिए, सिर्फ अपने वेस्ट एरिया टाइट चाहिए, ऐसा चाहिए। एंड शुड लुक लाइक दिस प्रिटी, बट वही टेलरिंग का प्रॉब्लम है, मैं डिसअप्रूव तो नहीं करूंगी बिकॉज मुझे ये लग प्रिटी रही है, इसका कलर वॉयलेट वगैरह अमेजिंग लग रहा है, पर्पल, एंड इसकी डिजाइन वजाइन भी अच्छी है, पीछे से ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है मेन चीज, एंड कुछ अलग है, इतनी सारी कुर्तीज जो दिखाई मैंने उसमें से कुछ अलग हटके है, तो या आप वो चीज बस ध्यान रखना। बाकी अगर आपको लूज स्लीव से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हो, हाँ मतलब ऐसे भी कुछ खराब लग नहीं रहा है अगर मैं देखूँ ऐसे तो। या दिस इज ऑल्सो अप्रूव्ड यू गाइज, फिट वगैरह मैंने आपको बता दिया कि तक प्रॉब्लम है। एंड मटीरियल, हाँ मटीरियल काफी कड़क है, तो उसको धोगे ना तो मेरे को लगता है छोटा छोटा हो जाएगा, कॉटन मटीरियल है बेसिकली, तो चुभ नहीं रहा है, इट इज गुड, अप्रूव्ड। नेक्स्ट कुर्ती खोलते हैं, तो ये वाली कुर्ती मैंने ली थी, प्रिंटेड कोटा चिकन करी कुर्ती, कंप्यूटर वर्क, हाँ ये मुझे पता है, ये वाली प्रिंटेड है, मैं पहली वाली को प्रिंटेड बोल रही थी ना, जस्ट ओपन दिस वन, देखने में काफी प्रिटी लग रहा है, ओह माय गॉड, ये ना थोड़ा अलग सा ही है कुछ, इसमें ऐसी डिजाइन है रोज की, एंड ऑल ओवर द कुर्ता यही डिजाइन है, इसके ऊपर चिकन करी वर्क किया हुआ है वाइट कलर से, तो उसका बहुत ज्यादा उठावा रहा है, ये लोगों ने शायद प्रिंटेड मटेरियल लिया एंड उसके ऊपर चिकन करी वर्क किया है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर आपको इनर पहनना पड़ेगा, इसका मटेरियल चुभेगा तो नहीं, ये थोड़ा सा जूटिश मटेरियल है, जूट वाला मटेरियल है, जूट कॉटन मटेरियल है, तो दैट्स दैट। एंड मैंने ये मीडियम साइज में ऑर्डर किया था, ये अराउंड मुझे पड़ा है 458 का शायद, मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, तो या लेट्स ट्राई दिस आउट, मैंने ट्राई करूंगी, बट ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, जब मैंने इसको देखा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था इसका डिजाइन पैटर्न वगैरह वगैरह वगैरह, बट पहनने के बाद ये बहुत खराब लग रहा है मुझे, ये इसका यहाँ से स्लीव्स यहाँ से लूज है, एंड इसका मटेरियल मेरे को हाथ पे बहुत चुभ रहा है, एंड ये यहाँ से नेक से भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, काफी प्लेन प्लेन लग रहा है, एंड ये ट्रांसपेरेंट था फुल, तो मेरे को अंदर इनर पहनना पड़ा, एंड इनर वाइट पहना है ना उसकी वजह से फुल वाइट आ रहा है, मटीरियल है ना इसका वो उठ के नहीं आ पा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कुर्ती की, अदरवाइज आई फील ये ओकेश है। मैंने इसके पहले जो इयर रिंग्स पहने ना उसकी वजह से ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बट जैसे ही मैंने ये झुमकेस पहने ना इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी, आप देख सकते हो, मतलब उससे तो बेटर ही लग रहा है ये वाला लुक, और वो जो मैंने इयर रिंग्स पहना था वो वाला लुक बहुत ही थर्ड क्लास था, बट ये वाला फिर भी बहुत उठ के आ रहा है, बट मैं सोच रही हूँ मैं ऑफिस में ये झुमके पहन के कैसे जाऊंगी, लाइक कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, इवेंट नहीं, नॉर्मली अगर मेरे को पहनना है तो मुझे कुछ सिंपल सा डिसेंट सा इयर रिंग पहनना पड़ेगा, पर तभी ये अच्छा नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा सा छुप भी रहा है, तो आई डोंट नो मैं इसको रखूँ या नहीं रखूँ, एंड फिट एकदम बराबर हो रहा है, थोड़ा छुप रहा है बस, आई डोंट नो मैं इसको रखूँ या नहीं रखूँ, आई वुड सजेस्ट कि आपके ऊपर है, मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स बोल दिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ कि मैं अप्रूव कर रही हूँ या डिसअप्रूव कर रही हूँ। नेक्स्ट ओपन करते हैं, तो ये वाला ना एक सेकंड, ये रेड कलर की कुर्ती है, एंड दिस इज फ्रॉम ZNA जीनत चिकन करी लखनऊ, लखनऊ कुर्तियाँ है ये सब, लखनऊ चिकन करी कुर्तियाँ है, एंड बहुत अच्छी है कुर्ती, सेट तो नहीं है बट इनर के साथ आई है, ये 36 में मैंने ऑर्डर करा था, एंड ये मैंने कौन सा बोला, हाँ मिल गया मेरे को, ये शायद ये है कि नहीं है, यही है, तो जैसा पिक्चर में दिख रहा है ना डिट्टो वैसा है गाइस, डिट्टो डिट्टो है, जो भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया ना उसका मैं ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ, ये वीडियो इज अ ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मुझे नहीं मिल रहा है कोई कमीशन वगैरह, 200 300 400 की कुर्तियां है, जैसा इमेज में दिख रहा है वैसा आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है यार, जस्ट लुक एट दिस अगेन, सो प्रिटी यार,
जस्ट लुक एट दिस, मैं बहुत खुश हूँ, जेन्युइनली खुश हूँ, बिकॉज मुझे ऑफिस वेयर के लिए कुछ चाहिए था एंड इतनी प्रिटी कुर्तीज है, ओह माय गॉड, मुझे हमेशा से चिकन करी कुर्ती बहुत पसंद थी. तो या इसमें ना चिकन करी वर्क बहुत है और अगेन ये ट्रांसपेरेंट है. ये 446 की प्राइसिंग है, मीशो पे इसकी रेटिंग 3.7 है और इसके साइजेस है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा 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 स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा 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 लार्ज. तो ये सब है एंड इसमें कलर्स कौन से, येलो लैवेंडर ग्रे फिर ग्रीन सी ग्रीन टर्कोइज है, ब्लैक भी है. मैंने ब्लैक ऑर्डर ही नहीं किया बिकॉज मेरी मम्मी इतना चिल्लाती है मुझे ब्लैक पहनने पे, तो ब्लैक ऑर्डर ही नहीं किया मैंने कुर्तीज में, सारे मैंने पेस्टल कलर्स या सॉलिड कलर्स ही किए. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पर, देखो ना झुमका, ये वाला झुमका भी कितना जा रहा है, जच रहा है इस पर, मेरे को ये ट्राई करना है. लेट्स ट्राई दिस आउट. अरे उसके पहले मेरे को आपको इनर दिखाना है. तो इनर ना कुछ ऐसा आया है. ओ ये इनर भी बहुत क्यूट है, इसको मैं और दूसरी चीज़ों के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ. एंड ऐसा स्लिट आया, अगेन वो ब्लू वाले जैसा ही है. तो या एक्चुअली सब में बस डिज़ाइन अलग अलग है, मटेरियल सबके सेम है एंड ये लोग ने इसको दिया भी एकदम अच्छे से. मेरे को ये ट्राई करना है, लेट्स ट्राई दिस आउट. गाइस मुझे इनर के बारे में बताना, ये काफ़ी टाइट है साइड से एंड इसको ना मेरे को लगता है स्लिट को बड़ा करने के बाद भी कुछ होने नहीं वाला है बिकॉज इसका मटेरियल ही वैसा छोटा सा है यहाँ से. बट लेट्स सी, मैं इतना ना काट के देखूंगी अगर कैसा लग रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, वरना मटेरियल कुछ ऐड करवाना पड़ेगा. तो यह इनर इतना अच्छा नहीं है. गाइस लुक तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, लुक एट दिस. लाइक इसका जो यहाँ का डिज़ाइन है, इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड सो बिग. और यहाँ से जो अस्तर है इसका सिर्फ हाफ ही है एंड ये जो कुर्ती का जो है ना आगे का फ्लैप, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, उसके लिए काफ़ी कूल वाइब दे रहा है. एंड अगेन मुझे कुर्ती का मटेरियल पहन के बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ पहना भी है एंड स्लीव्स ये एकदम प्रॉपर फिट आई है मेरे को, अगर आप देखोगे तो एकदम प्रॉपर फिट है. एंड इसका नेक बाकी सबके नेक से बहुत डिफरेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो स्वीट हार्ट नेक टाइप से एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. जस्ट लुक एट मी, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है. खाली इनर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ना तो फिर इट्स डन, बाकी आप तो देख ही सकते हो कैसा लग रहा है. आई मीन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से भी एंड यहाँ से भी एंड यहाँ से भी. सो या अप्रूव्ड इट इज, अपन करते हैं. ओके सो ये वाली कुर्ती के लिए मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि मैंने तो ब्लैक ऑर्डर किया ही नहीं, तो मैं सर्च करने लगी कि ब्लैक कैसा है. फिर मुझे याद आया मैंने शॉर्ट कुर्तीज भी ऑर्डर करी है, तो उसमें ये मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद आ गया था. तो लेट्स सी ये जैसा दिख रहा है वैसा है कि नहीं. ओ दिस काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, मतलब बहुत यूनिक है. हाँ इसका ये बीच वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा जो ये पैटर्न है, बट साइड में जो इसकी डिटेलिंग दी है चिकन करी की, इट्स जस्ट सो प्रिटी. इसका जो बाय है, जो इसकी हाथ है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है. एंड इसमें ना ऐसा थ्रेड भी दिया है बीच में बांधने के लिए ना, इसके ऊपर टैसल्स भी है क्यूट. ये नी लेंथ शॉर्ट कुर्ती है एंड जैसा सेम डिट्टो है, जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसा सेम डिट्टो है. ये मैंने सिर्फ 274 में लिया है एंड ये 3.8 रेट कर रहा है मीशो पे. स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज मिल जाएगा. जॉर्जेट फैब्रिक है, 3/4 स्लीव्स है एंड या लेट्स ट्राई दिस. अच्छी लग रही है ना, छाना. इसके साथ मैंने एकदम नॉर्मल से इयररिंग्स पहने हैं ताकि एकदम नॉर्मल लगे. इसको मार्केट जा रही हूँ किधर पहन लिया, या फ्रेंड्स की इधर जा रही हूँ, या ऐसे किधर ट्रेडिशनल पहनना है तो चल जाएगा ये मुझे लग रहा है. मंदिर वगैरह में नहीं चलेगा बिकॉज ब्लैक नहीं चलता है ना. ऑफिस में आई थिंक चल जाएगा, बट ये थोड़ा सा डिज़ाइन बहुत लाउड है तो आई डोंट नो. बट इसका चिकन करी वर्क मुझे काफ़ी पसंद आया है एंड ओवरऑल इसका मटेरियल मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पहना ही नहीं है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. बस इसका खाली ये इस चीज़ का प्रॉब्लम है, इतना कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे एंड ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी है. तो या वो एक चीज़ है, बाकी मुझे बहुत पिटी लगी एंड आई एम अप्रूविंग दिस. हाँ पीछे दिखाना भूल गई ना, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम बिहाइंड. आई थिंक अच्छा ही लग रहा है, कुछ है नहीं पीछे देखने जैसा, कोई डिज़ाइन नहीं है. तो या
अप्रूव्ड इट इज. ये जो है सेम है आई गेस, मैंने सेम आई थिंक डिजाइन अलग नहीं, डिजाइन भी सेम है. उसमें मैंने रेड कलर ऑर्डर करके देखा, मुझे काफी फैसिनेटिंग लग रहा था शायद. हाँ मुझे याद आया, मुझे काफी अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा लेट्स ऑर्डर इट. तो ये रेड कलर में भी सेम डिजाइन एंड सेम सब कुछ है. तो दो कलर ऑप्शन में आपको ट्राई ऑन करके दिखा रही हूँ. इसका ना टैसल नहीं है, इसमें ऐसा है, ये देखो, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है. एंड ये भी अगेन 274 का है. इसमें भी सारे साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे. तो सेम वो जो ब्लैक कुर्ती के मैंने डिटेल्स दी ना, सेम है, जॉर्जेट मटेरियल है. तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं. ये वाली मुझे लग ही नहीं थी इतनी सुंदर लगेगी, बट बहुत सुंदर है. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इस थ्रेड के बारे में. ये थ्रेड मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा लग रहा है कि कोई स्किपिंग की रस्सी डाल दी हो यहाँ पर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. बाकी इसका ऊपर का वर्क इज लाइक जस्ट गॉर्जियस, आप देख सकते हो. इसका जो साइड के स्लीव्स भी है बहुत अच्छे से इन्होंने चिकन करी वर्क करा है इस पर. एंड इवन ये ना नी लेंथ, जितना नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर है, 2-3 इंच, तो काफी अच्छा प्रिटी लुक दे रहा है एकदम. एंड जस्ट लुक एट माई आउटफिट, ओ ओ ओ, दिस इज ऑल्सो अप्रूव्ड. नेक्स्ट कुर्ती ट्राई करते हैं ये वाले पैकेट से. एंड ये वाला पैकेट मैंने खोल दिया है, इसमें भी दो कुर्तीज मुझे दिख रही है. पहले पिंक वाली ट्राई करते हैं, येलो और पिंक दो कलर है. तो पिंक वाली, एक सेकेंड, ये देखें. सो पिंक वाली, ओ यार ये बेबी पिंक है, इतना सुंदर इसका कलर है. मिरर वर्क कुर्ती है, नहीं थी. वाओ यार, इट्स लवली, मुझे प्यार हो गया यार इससे. जस्ट लुक एट दिस, ओ माय गॉड, काफी अच्छा लग रहा है. और ये ना मेरे झुमकों के साथ जा रहा है, ओ माय गॉड, लाइक एकदम जैसे ड्रीमी कुर्तीज है ये सब. आई कांट इवन इमेजिन कि कितना ज्यादा सुंदर है. एंड यहाँ पर स्लिट विड भी दिया है. जस्ट लुक एट द मिरर वर्क गाइस. और ये ट्रांसपेरेंट है ना, पीछे भी है, पीछे भी डिजाइन है. एंड ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसके साथ इनर भी आया है. सेम वही जो मैंने आपको ब्लू और एक और में दिखा था ना रेड में, सेम वैसा इनर है. तो लेट्स जस्ट लुक एट द प्राइस, 557 का है. थोड़ा सा ज्यादा है, लाइक 400 अराउंड होता तो और ज्यादा दिल खुश हो जाता, बट ठीक है. इसमें मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज मिल जाएगा आपको साइजेस. एंड इनर के साथ है ऑब्वियसली, जॉर्जेट मटेरियल है, 3/4 स्लीव्स है. इसमें आपको 6 कलर्स मिल जाएंगे, येलो, पीच, ब्लैक, पर्पल एंड रेड. और ये पिंक, मैंने पिंक ऑर्डर करा है. एंड इसमें एक और कलर ऑर्डर करा है येलो वाला. तो मुझे लग रहा है दोनों बहुत प्रिटी लगने वाले हैं. एंड बहुत फेमिनिन कलर्स है ना पिंक एंड येलो. मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये वाला ट्राई करने के लिए. तो लेट्स ट्राई दिस गाइस. दिस कुर्ती इज वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ज्यादा बेबी पिंकिश कलर है. एंड ये अगर आप देखो स्लीव्स थोड़ी लूज है जैसे बाकी सबकी थी. ओ ये भी अटका हुआ है यहाँ पर ना, सब कांच वाच चिपक रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है. बट काफी प्यार से निकालना पड़ेगा. हाँ निकल गया. तो या ये यहाँ की पूरी डिजाइन है, फुल मिरर वर्क है. एंड ये एकदम ऐसा फिट बैठ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो. मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आया. आई डोंट थिंक कैमरा इतना कैप्चर कर पा रहा है, बट ये काफी अच्छा कलर है पिंक में, बेबी पिंक है. एंड इसका अस्तर भी कंफर्टेबल है, टाइट वाइट कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ करने की मेरे को जरूरत नहीं है. एंड इसका नी लेंथ वगैरह, इसका लेंथ वगैरह भी काफी अच्छा है. अगेन मैं रिपीट करती हूँ, मेरी हाइट ना 5'3" है, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हो. एंड दिस कुर्ती आई वुड लाइक टू अप्रूव इट बिकॉज इट इज प्रिटी एज यूजुअल. पूरे मीशो के हॉल में सारी कुर्तीज मेरे को प्रिटी 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 ही लग रही है. आई कैन हेल्प इट यू गाइज. तो ये वाले पैकेट में से नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, येलो वाला. मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, जैसे आप देख सकते हो. ये ना थोड़ा सा डल कलर है मैं बोलूंगी, मेरे को थोड़ा सा लेमन येलोइश थोड़ा एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज ये पिक्चर में वैसा लेमन येलोइश दिख रहा है. बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स, ये थोड़ा सा डल है, ठीक है, चल जाएगा.
जैसा पिक्चर में दिख रहा है अगेन वैसा ही है ऑब्वियसली यार. पिंक की जो डिटेल्स दी ना सेम टू सेम इसकी भी डिटेल्स वही है. मैं आपको दिखा दूँ क्लोजअप से कि जस्ट लुक एट दिस, सेम मिरर वर्क वगैरह है इसकी एम्ब्रॉयडरी. इसकी जो स्लीव्स है उसमें भी वैसा ही, बट ना ये स्लीव से थोड़ा लूज है ये वाली कुर्ती एंड इसकी स्टिचिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं हुई है या क्या पता नहीं. दैट इट. और मुझे ना दिमाग में ये आया कि ये मटेरियल जो है ना और ये काज जो है ना, अगर ये दोनों आपस में स्क्रैच हुए या फ्रिक्शन हुआ ना तो ये मटेरियल फट सकता है. आप इसको धो नहीं सकते हो मेरे को लगता है वॉशिंग मशीन वगैरह में. आपको इसको हैंड वॉश करना पड़ेगा एंड इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. डेलिकेट सी चीज़ है. वैसे आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे नहीं कर रहे हो. दिस इज़ फॉर 558. पिछला वाला 557 था आई गेस, ये 558 का है. बट इसके साथ इनर भी आ रहा है ना तो वो भी एडवांटेज है एक. बट जस्ट इतना बताना था कि मेरे को मटेरियल ना थोड़ा ठीक ठीक नहीं लग रहा है. जॉर्जेट है वैसे, छुपेगा नहीं वैसा नहीं बोल रही हूँ, बट डेलिकेट ध्यान रखना पड़ेगा. दैट्स इट. इसको ट्राई करते हैं अभी. गाइस ये कुर्ती ट्राई कर रही थी बट उसके पहले ना आपको मेरे को ये इनर का हालत दिखाना था. यहाँ से ये थोड़ा सा छोटा है जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा स्क्वायर नेक आया है एंड यहाँ से भी ये काफी ढीला है बट ठीक है. एंड यहाँ से स्लिट जो एकदम प्रॉपर प्रॉपर है तो ये एकदम परफेक्ट है. तो अभी कुर्ती पहन लेते हैं. चलो कुर्ती पहन ली मैंने एंड ये वाले इयररिंग्स अगेन काफ़ी प्रिटी लग रहा है ऐसे. बट एक प्रॉब्लम है, अगर आप देखो तो इसमें से ना मेरा वाइट कलर का थोड़ा सा इनर दिख रहा है. तो मैं वही रिकमेंड करूँगी, इसके साथ जो येलो वाला आया ना सिर्फ वही पहनना, अलग से एक्स्ट्रा कुछ पहनना मत क्योंकि फिर वो विजिबल होगा. तो या थोड़ा सा लूज है, ऐसा लग भी नहीं रहा है मैंने कुछ पहना है. ऑनेस्टली मेरे को ये अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है एंड ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट लग रहा है. अगर कोई फंक्शन इवेंट हो या पूजा हो जिसमें आपको कुछ पहनना है तो परफेक्ट है. एंड यार स्लीव से ना थोड़ा सा मेरे को टाइट टाइट लग रहा है. ये देखो ये यहाँ पर ना क्या हो रखा है पता नहीं अभी इसको मैं कैसे, इसका कुछ धागा वागा अटक गया है इसमें. ये बहुत हो रहा है, या तो कांच के साथ अटका हुआ है या तो फिर हाँ कांच के साथ अटका हुआ था, मैंने निकाल दिया. अब देखो इतना लूज है ये, तो तभी ये ना एकदम वो हल्का फुल्का लग रहा है. मैं इसको बिल्कुल भी टाइट नहीं कराने वाली हूँ, जैसा है वैसा ही रखूंगी. तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही हूँ मैं. चा इसके ना मुझे कांच भी नहीं छूभ रहे, यू नो बिल्कुल भी इसके कांच नहीं छूभ रहे. रूट नेक्स्ट वाली जो कुर्ती है उसे ओपन करते हैं. ये हमारी सेकेंड लास्ट है, एक और कुर्ती है इसके बाद. दिस सीम्स नाइस. एक्चुअली पिंक कलर में मुझे बहुत सारे पिंक कलर होते हैं. पीच होता है, पिंक होता है, बेबी पिंक होता है एंड यू नो काफ़ी सारे पिंक्स होते हैं. मुझे सारे नाम याद नहीं आ रहे बट ये वाला पिंक मुझे काफ़ी पसंद आया है. ओ इसके अंदर अस्तर भी है. पहली ऐसी कुर्ती मिली चिकनकरी जिसमें अस्तर के साथ है. तो लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन. ये मुझे लग रहा है हाँ ये ओम साई आर्ट से है एंड जैसा दिख रहा ना बिल्कुल बिल्कुल वैसा है. सेम डिट्टो कलर है, डिज़ाइन भी सेम. हाँ डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम आई है. ओ माई गॉड यार ट्रू टू इमेज है. जस्ट लुक एट दिस. कृष्ण भगवान के मंदिर वगैरह जा रहे हैं या जैन मंदिर जा रही हूँ मैं तो ये कितना प्रिटी लगेगा. इवन ऑफिस के लिए तो मेरे को लगता है एकदम परफेक्ट है. नॉर्मली एकदम जगमग जगमग भी नहीं है. कोई कोई होता है ना जिसमें सीक्वेंस लगे हुए रहते हैं चिकनकरी में ही तो वो बहुत जगमग हो जाते हैं. दिस इज़ वेरी डिसेंट एंड ये मैंने मीडियम साइज में ऑर्डर करा था. ये 517 का है, जॉर्जेट मटीरियल है एंड इसमें आपको 9 कलर्स मिल जाएंगे. लैवेंडर है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लैक है, पिस्ता ग्रीन है एंड येलो है, रेड है. मैंने पीच चूज किया बिकॉज मुझे ना पेस्टल कलर से प्यार है. तो और चिकन करी कुर्ती इज अ डेलिकेट वर्क यू नो, तो उसके साथ ऐसे पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा. एंड नीचे से भी काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी तो मैं सोच रही हूँ उसको पहन के देखा जाए. लेट्स गो. ये कुर्ती इसके लिए मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है. इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विश्ड फॉर. फिट परफेक्ट, मटेरियल परफेक्ट, डिजाइन परफेक्ट, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ये कुर्ती का. जस्ट हैव अ लुक. कितना इंटिकेट इसके डिजाइन है, मुझे एकदम परफेक्टली फिट हुई है नेक से यहाँ से एंड इवन इसके
साइड से आर्म से एकदम परफेक्ट, लाइक मेरे लिए ही कुर्ती बनी थी वैसा लग रहा है मुझे, और इसका वर्क भी एकदम मस्त लग रहा है, पेस्टल भी लग रही हूँ मैं एकदम, कोई भी मुझे इससे कंप्लेन नहीं है। एंड मेरे झुमके इसके साथ कितने अच्छे से जा रहे हैं, मिरर वर्क झुमका है, झुमका नहीं बोलूँगी इयररिंग है, बट ये बीच में काफ़ी फेमस हुआ था एंड काफ़ी प्रिटी लग रहा है ना, लुक एट इट, ओ माय गॉड, ऑफिस के लिए परफेक्ट है। ऑब्वियसली ये झुमका नहीं पहनूंगी, कुछ और पहनूंगी, बट कितना कितना गॉर्जियस है। मुझे ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्या पता आप लोगों को पसंद आए नहीं आए, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। फिट वगैरह परफेक्ट, मटेरियल परफेक्ट, अप्रूव। गाइस लास्ट पार्सल बाकी है, इसको खोलते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या है। मुझे पता है इसमें क्या होगा क्योंकि एक ही चीज़ बची है, तो अभी डेफिनेटली मुझे पता है, वैसे देख लूँ मैं। दृश्य कुर्ती, आगम दृश्य कुर्ती, कौन से कलर, पर्पल कलर, मैंने कोई कलर नहीं छोड़ा, येलो, पिंक, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, ओह लैवेंडर है ये, बहुत प्रिटी है। मैं लेजिट सब कुर्ती के लिए बोल रही हूँ, बट इसका कलर देखो ना गाइस, प्यारा, कितना प्यारा कलर है, लुक एट दिस, ओ माय गॉड यार, मजा आ गया आज के हॉल में। ये जो कलर है ये मेरा फेवरेट कलर है, वन ऑफ द फेवरेट बोलूंगी, क्योंकि सारे कलर्स मेरे ऑलमोस्ट फेवरेट है, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ग्रीन, सब अच्छे लगते हैं मुझे, सारे पेस्टल कलर्स। सो या ओ माय गॉड लुक एट दिस क्यूटी, ओ मेरे कितना मस्त लग रहा है ये, एंड इस पे जो डिजाइन है ना, इसमें फुल रोज वाली डिजाइन है, जस्ट लुक एट इट, कितना बारीक वर्क है ना, इसकी जो हैंड है वो ऐसे दिखती है, एंड पीछे भी एक बूटा किया हुआ है उन्होंने वर्क रोज का। तो ये मेरे को पड़ी है, लेट मी सी, तो ये मुझे पड़ी है 446 रुपीज की, एंड इसमें 3.7 रेटिंग है, इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है A to Z, और इसमें आपको 8 कलर्स मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे पिंक के भी अलग शेड थे, बट मुझे लैवेंडर करना था तो मैंने लैवेंडर किया। एंड ये अगेन जॉर्जेट मटेरियल है, इसके साथ फ्री इनर भी है, तो आप आराम से इसको पहन सकते हो विदाउट एनी टेंशन कि यास दिखेगा वासे दिखेगा, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कम्फी फॉर वर्क। तो मुझे इसको पहन के देखना है कि कैसा लगेगा मुझ पर, वैसे तो मुझे प्रीवियस वाले सारे पसंद आए ये जो मटेरियल में थे, बट लेट्स सी, लेट्स गो। ये लास्ट वाला है एंड आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस ऑन, बिकॉज पिंक के भी मैंने 2-3 शेड्स ऑर्डर कर दिए थे, बट इसका मैंने सिर्फ एक ही किया है, तो लेट्स गो। गाइस ये कुर्ती, एक्चुअली कुर्ती यहाँ पर पड़ी है, मेरे को पहले आपको इनर का रिव्यू बताना था, जस्ट लुक एट दिस, ये क्या है, मतलब बहुत अजीब सा है ये, इधर से एकदम टाइट हो गया, नीचे ही नहीं उतर रहा, एकदम टाइट हो गया बेली के यहाँ पे, एंड ऊपर से एकदम लूज, ऐसे लग रहा है कि गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, जस्ट लुक एट दिस, एकदम लूज है, क्या इनर है ये, ओ माय, मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ से एकदम टाइट है, इसका जो स्लिट है ना, मेरे को लगता है थोड़ा और ऊपर से होना चाहिए था, इसमें पॉकेट्स है, नहीं इसमें पॉकेट्स नहीं है, बट या ऑब्वियसली इनर में कौन पॉकेट्स बनाता है, बट मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है स्पेशली यहाँ से। तो इसका जो फिटिंग वगैरह है, स्टिचिंग वगैरह है, बिल्कुल बराबर नहीं है इनर का, ये वाले इनर का स्पेशली, तो मुझे नहीं पता, लेट्स ट्राई दिस कुर्ती, फिर देखते हैं पता चलेगा। गाइस मैं ये वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ, मेरे एकदम फेवरेट है, ये कुर्ती के साथ ये काफ़ी अच्छे लग रहा है, अरे यार आ जा, हाँ कितना प्रिटी लग रहा है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गया, तो मैं मोस्टली इसको रखने वाली हूँ। ये इसका जो इनर है ना, ये यहाँ से काफ़ी टाइट है, मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ से थोड़ा फाड़ दूंगी ना, तो फिर मेरे को टाइट नहीं लगेगा, बाकी तो सब परफेक्ट है गाइस, जस्ट लुक एट दिस। हाथ में मैं वॉच टैग करने का सोच रही हूँ एंड एक बैग ले लिया, तो फुल मेरा बोहो आउटफिट एकदम रेडी है, एंड पृछी काफ़ी खुश हूँ मैं इस लुक से। ये मटेरियल, ये कुर्ती का मटेरियल इतना सॉफ्ट है, ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ पहना है, ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं लग रहा है मैंने कुछ पहना है, बस खाली इनर थोड़ा सा और अच्छा होता ना तो वो काफ़ी अच्छा लगता, बट जस्ट लुक एट दिस लुक गाइस, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड मानना पड़ेगा काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर दोनों चीज़ें मिली है। इनर तो ठीक है, खास
कुछ है नहीं, बट इसका डिजाइन, ये कुर्ती का डिजाइन, ये कुर्ती का मटेरियल, ये चिकनकरी वर्क जो है काफी प्रिटी है, इसका नेक भी इतना अच्छा लग रहा है, एंड मेरे ये झुमकास, मेरे साइड से तो ये अप्रूव्ड है। अगर आपको इनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर इनर से प्रॉब्लम है तो प्लीज मेक श्योर कि आप नहीं खरीदो, और अगर खरीद रहे हो तो मे बी आप अस्तर डलवा सकते हो, या फिर अगर आप खरीद रहे हो तो मेरे जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा और ऊपर स्लिट मार सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू अप्रूव दिस कुर्ती फॉर यू ऑल। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर द ह्यूज लेटेस्ट हॉल वीडियो फ्रॉम मीशो, एंड ये सारी चिकन करी कुर्तीज आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। मैंने शॉर्ट कलर की ऑर्डर करी थी, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज की ऑर्डर करी थी, एंड मैंने प्रिंट डिफरेंट ट्राई किया था, कलर डिफरेंट ट्राई किया था। आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि मीशो पे कैसी चिकन करी कुर्तीज मिलती है। आई नो बहुत सारे वीडियोज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट आई होप ये भी वन ऑफ द वीडियोज रहा हो जिसमें आपको बहुत हेल्प मिली हो, एंड दैट विल मेक मी वेरी हैप्पी। इफ यू आर लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। It would mean a lot to me. Until I see you in the next video. Bye.